तो कंपटीशन कम्युनिटी अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर देने जा रहा है महा डिस्काउंट। प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी, ना पड़े आपकी जेब पर भार। तो इस बुरे वक्त को अपना कम्फर्ट जोन ना बनाए, हमारे साथ कंपटीशन कम्युनिटी से जुड़े। ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें हम ला रहे हैं महा डिस्काउंट, जिसके तहत कंपटीशन कम्युनिटी के वीडियो कोर्स, ऑडियो कोर्स एवं बुक्स में 30-65% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये ऑफर केवल और केवल 26, 27 और 28 जुलाई के लिए। और आप इस जानकारी को अपने और भी दोस्तों तक पहुंचाएं। और इन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 26 जुलाई तक जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का यहां एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीकली सेशन को एनालिसिस नहीं किया है। इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जितना भी पीछे टॉपिक छूटा है या जितने दिनों का छूटा है उन सब का हम एनालिसिस जरूर करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज के इस सेशन में 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सब का हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में भी देखा था कि कंपटीशन कम्युनिटी अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर महा डिस्काउंट देने जा रहा है। ये डिस्काउंट 3 दिनों के लिए होगा, 26, 27 और 28 जुलाई। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इन कोर्सेज़ के माध्यम से आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक बात सच्चाई है कि आपको अपने पढ़ने का तरीका और अपना मूड बदलना होगा। पहले आप ऑफलाइन पढ़ा करते थे, आपको ऑफलाइन मोड कंफर्टेबल लगता था, लेकिन अब आपको ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति सामान्य कब होगी ये कोई कहा नहीं जा सकता। और स्थिति सामान्य होने के इंतज़ार में आप अपनी तैयारी को रोक नहीं सकते। एग्ज़ाम कब हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, इसीलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। हम आपके साथ हैं। हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उस पर महा डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। बहुत ही चीपेस्ट रेट पर आप प्रीलिम्स, मेंस, ACF या फिर ऑडियो कोर्स के माध्यम से आप और तैयारी कर सकते हो। तो बहुत कम समय है, 26, 27 और 28 जुलाई इन 3 दिन वेबसाइट पर विजिट करें और अपने पसंदीदा कोर्स का चयन करके आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। और भरोसा कीजिए, इतने कम रेट पर आपको कोई भी कोर्सेस नहीं देने वाला है। आप ऑफलाइन कोर्सेज अगर जाओगे तो आपको प्रीलिम्स के लिए 30-40 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, मेंस के लिए अलग से 30-40 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर मात्र 6 हज़ार में मेंस का कोर्स मिल जा रहा है, 1200 रुपये में आपको ऑडियो कोर्स मिल जा रहा है। तो इतने कम रेट पे आपको कोई नहीं देने वाला और उच्च गुणवत्ता क्वालिटी के साथ में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। YouTube पे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ चाहें तो पहले डेमो देख लें, उसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हो। तो घर बैठकर अपने समय को जाया ना करें और इन कोर्सेज के माध्यम से आप तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने डिस्कशन की तरफ, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। हाल ही में ICMR की तरफ से एक नया लैब डेवलप किया गया है, उस लैब का नाम है हाई थ्रूपुट लैब और इस लैब को लॉन्च करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि 27 जुलाई को। देखिए, COVID-19 इंडिया में अपना पैर लगातार पसारते जा रहा है और इसको रोकने का अभी सिर्फ और सिर्फ जो तरीका है वो है 3T। ये 3T का मतलब क्या है? टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। और इसी रणनीति के तहत में एक और लैब डेवलप किया गया है ICMR की तरफ से, जहां पर रिसर्च किए जाएंगे कि COVID-19 इस तरह से जो फैल रहा है इसे कैसे कंट्रोल किया जाए और इस 3T को और किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके। और अभी अगर आप देखोगे कि वर्तमान समय में COVID-19 को रोकने के लिए अगर सरकारें कोई कोशिश कर रही हैं तो वो
3T ही मुख्य रणनीति कह लो या स्ट्रेटेजी कह लो, यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाई थ्रीपुट लैब को डेवलप किया गया है ICMR की तरफ से, जिसे कल लॉन्च करने वाले हैं यानी कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ पर COVID-19 प्रयोगशालाएं की बात कर लें तो अभी देश में वर्तमान समय में लगभग 1300 के आसपास लेबोरेटरीज हैं जो COVID-19 पर काम कर रही हैं। कुछ वैक्सीन्स पर काम कर रहे हैं, कुछ अलग अलग किट्स पर काम कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन्स पर काम कर रहे हैं। और आप जब देखोगे जनवरी के स्टार्टिंग में जब COVID-19 आया था तो उस समय देश में सिर्फ एक लेबोरेटरी था, आज 1300 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं। ठीक, चलिए आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है। ICMR बार बार सुर्खियों में है और इससे रिलेटेड हमने शुरू से एनालिसिस किया है, तो आपको यहाँ पर इस सवाल का जवाब देना है कि वर्तमान समय में ICMR के प्रमुख कौन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली को डेवलप किया गया है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम स्पेस में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसका एक एज होता है, जैसे 2 साल 4 साल, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, तो क्या बन जाता है, मलबा। अब मलबा बनने के बाद वो पृथ्वी पर तो गिरेगा नहीं, वो ये स्पेस में घूमते रहता है, तो उससे आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई खतरा ना हो, इसीलिए अलग अलग देश और अलग अलग स्पेस एजेंसी उस पर काम कर रही है ताकि उसको ट्रैक किया जा सके और उस पर प्रॉपर निगरानी रखा जा सके। इसीलिए भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है दिगंतरा, यह एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है और इस दिगंतरा ने ही डेवलप किया है क्या, स्पेस में मलबा को निगरानी और ट्रैकिंग करने की प्रणाली। तो इस स्टार्टअप कंपनी का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और भारत का पहला इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह सिस्टम जो है वर्क करेगा लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग की टेक्निक पर, तो इस टेक्निक का भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम दिगंतरा की बात करें तो दिगंतरा भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है, यानी कि अगर स्पेस में कुछ मलबा है तो उस पर निगरानी रखने वाला भारत का ये पहला स्टार्टअप कंपनी है और इसको 25 लाख रुपए का इंडियन की जो स्टार्टअप स्कीम है उसके तहत अनुदान भी मिला हुआ है। और एक अच्छी बात है कि अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये दिगंतरा का आपका यहाँ पर लोगों दिख रहा होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उन्नत भारत अभियान न्यूज़ में क्यों है, इसे समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक समझाना चाहूँगा आपको ट्राइफेड को, उसके बाद उन्नत भारत अभियान को। देखिए ट्राइफेड क्या है, ट्राइफेड का पूरा नाम है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे 1987 में बनाया गया था और इसने वर्क करना शुरू किया था 1988 में। इसका काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका काम था आदिवासी लोग जो भी वनांचल क्षेत्रों में रहते हैं, जो भी ट्राइबल्स रहते हैं और जो भी लघु वनोपज वो इकट्ठा करते हैं, उस लघु वनोपज पर उनको सही दाम मिल सके, तो उनको सही दाम दिलवाना किसका काम है, ट्राइफेड का काम है। तो इसके बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ पर उन्नत भारत अभियान समझिए। उन्नत भारत अभियान को HRD मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। उन्नत भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये इसलिए शुरू किया गया था, यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को या फिर वहाँ के जो भी व्यापारी हैं उनको सही तकनीक, सही इनोवेशन मिल सके। इसीलिए जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, वो किसी न किसी ग्राम को गोद लें और उस ग्राम में इनोवेशन को बढ़ाएं, उस ग्राम में टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं या फिर कृषि से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी बढ़ाएं। तो इसमें IITs भी आ जाते हैं, NITs भी आ जाते हैं और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। और अब तक 2474 इंस्टीट्यूशंस द्वारा 13,702 गांवों को पूरे देश में गोद लिया गया है, जहां पर इनोवेशंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्नत भारत अभियान शुरू किया गया था 2014 में ये फर्स्ट फेज, और 2018 में इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब हम यहां पर समझते हैं कि उन्नत भारत अभियान न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय के अंदर संचालित ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने का फैसला किया है। कहाँ, वनांचल क्षेत्रों में, वहाँ पर
लागू करने के लिए इसने आईआईटी दिल्ली के साथ में एक समझौता किया है, ताकि आईआईटी दिल्ली आदिवासियों को भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोवाइड करवा सके, ताकि वहाँ के जो लघु वनोपज होते हैं या फिर जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं उस पर नया इनोवेशन उनको प्रदान किया जा सके और उसे बेचने के लिए, उसे सही दाम प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए आईआईटी उनको प्रेरित कर सके। इसीलिए ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वृक्षारोपण अभियान से संबंधित। 23 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह अभियान कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और टारगेट रखा गया है वर्ष 2020 में कि 3 जो कोयला और लिग्नाइट की PSUs हैं, जिसमें एक है NLC इंडिया लिमिटेड, दूसरा है कूल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कुरियरिस लिमिटेड कंपनी, ये तीनों कंपनी मिलकर 1,789 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य करेगी वर्ष 2020 में। यहाँ पर आपके लिए एक और सवाल है, वर्तमान समय में कोयला मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो वृक्षारोपण अभियान से संबंधित यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनु दर्पण पहल। इस पहल को शुरू किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के तहत, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके, स्टूडेंट आत्मनिर्भर बन सके। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, COVID-19 से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बाहर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स में भी निगेटिविटी आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं तो उनके मन में भी निगेटिविटी है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में पॉजिटिविटी भी रहे, इसीलिए आत्मदर्पण पहल को शुरू किया गया HRD मिनिस्ट्री के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत। तो बस इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि आत्मदर्पण पहल कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहली बार जो सत्र है वो वर्चुअल होने वाला है। ये सत्र कौन सा होगा? 75वां सत्र होगा संयुक्त राष्ट्र का, और ये संयुक्त राष्ट्र के स्थापना का भी 75वां सत्र होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र का 74वां सत्र जब हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संबोधन भी किया था अपने देश की तरफ से। इसके अलावा हर साल सितंबर के महीने में आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक सत्र की शुरुआत होती है, और जब भी सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले एक अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देना है कि 75वें सत्र के लिए किन्हें संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। इस बार वर्चुअल मीटिंग होने वाला है, तो वर्चुअल मीटिंग में 3 इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी। जैव विविधता शिखर सम्मेलन होगा, महिलाओं पर 4th विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा, उच्च स्तरीय बैठक होगा, जलवायु सप्ताह होगा और COVID-19 पर भी फैसला होगा। देखिए एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र होता है वो 1 साल का होता है, सितंबर से शुरू होता है। इस 1 साल में विश्व की जितने भी मुद्दे हैं उस संयुक्त राष्ट्र में रखा जाता है, न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन होता है। तो ये सब सारी बेसिक बातें आप याद रखिएगा। पेपर नंबर जो 7 है उसमें आपका ये पार्ट आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख अंग में से एक है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली। तो इससे रिलेटेड हमने डिटेल में पढ़ रखा है मेंस वाले पेपर में, तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो मेंस वाला कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफ़र भी चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको वेबसाइट विजिट करना होगा competitioncommunity.com, ठीक। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, चीन ने हाल ही में अपना पहला मार्स प्रोब लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है वेन चांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से। जैसे इंडिया का श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल है, वैसे ही चीन का वेन चांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है। यान का नाम याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि चीन ने हाल ही में एक मंगल मिशन को भेजा है उस मंगल मिशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है Tianwen-1। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। रॉकेट का नाम याद रखिएगा, चीन अंतरिक्ष एजेंसी का सबसे ताकतवर रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, उसी से इसको लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से 400 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जाएगा, लगभग 7
महीने का ये समय लेगा, उसके बाद ये मंगल की निगरानी करेगा और मंगल पर वहाँ पर इंसानों की रहने की स्थिति का पता लगाएगा, वहाँ का वायुमंडल कैसा है वो पता लगाएगा, मिट्टी रॉक ये सब के बारे में पता लगाएगा। तो चीन के इस मिशन के बारे में आप ध्यान रखिएगा, मिशन का नाम याद रखिएगा और रॉकेट का नाम याद रखिएगा। और ये चीन का पहला आप नहीं कह सकते, 2011 में भी इसने एक मंगलयान भेजा था जो कि असफल रहा था, उसके बाद ये फिर से एक मार्स प्रोब को लॉन्च किया है चीन ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद मंगल मिशन के बारे में थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर अमेरिका, रूस, भारत और यूरोपीय यूनियन, टोटल अब तक 4 मंगल मिशन सफल हो पाए हैं। एशिया का सबसे पहला मंगल मिशन जो है भारत की तरफ से ही भेजा गया था, और इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, जो भारत ने अपना मंगल मिशन भेजा था उस मंगल मिशन ने मंगल के चंद्रमा का सबसे बड़ा इमेज भेजा था इसरो को, तो ये इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्ट्रोस मिशन। यह मिशन लॉन्च करेगा नासा कब, दिसंबर 2023 में, कहां से, अंटार्कटिका से। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड के और रहस्यों का पता लगाना। इस मिशन के जरिए 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन किया जाएगा और उस धाराओं और उस वेव के जरिए पता लगाया जाएगा ब्रह्मांड के कुछ और रहस्यों को। और ये एस्ट्रोस मिशन जो है स्ट्रोस्फियर में एक वायुमंडल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा और यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य जो प्रकाश की किरणें हैं उसको अध्ययन करके वहाँ पर ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को, छोटे छोटे तारों को, इन सब के बारे में वहाँ पर जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक है, अगर एस्ट्रोस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल मैं आपको और दूँ तो इसका पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। और इस मिशन का संचालन नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एस्ट्रोस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्रीलिम्स में तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पासिक्स अभ्यास, यानी कि पासिक्स एक्सरसाइज। एक वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, दी करेंट अफेयर्स शो वाला हमारा वीडियो था, उसमें मैंने बताया था दक्षिण चीन सागर को लेकर। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जो युद्ध पोत फिर से तैनात हुए थे उस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी, उसमें पूरा हमने ब्रीफ में एनालिसिस भी किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के जब युद्ध पोत वापस से दक्षिण चीन सागर में आए तो चीन ने आपत्ति जताई, तो अमेरिका अब यहाँ पर चीन को रीज़न देने के लिए एक अभ्यास शुरू, कह सकते हो रणनीतिक तौर पर अमेरिका ने एक एक्सरसाइज शुरू कर दिया इंडिया के साथ में, पासिक्स एक्सरसाइज। अब देखिए जो दो युद्धपोत हैं वो हैं यूएसएस निमिच, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत आप उसे कह सकते हो, और दूसरा है यूएसएस रोनाल्ड रीगल। ये दोनों अभी दक्षिण चीन सागर पर हैं और उसी क्षेत्र में भारत के साथ पासिस एक्सरसाइज का अभ्यास किया, क्योंकि चीन को कोई रीज़न देना चाहता था अमेरिका कि इस रीज़न की वजह से उसके युद्धपोत यहाँ पर खड़े हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि पासिक्स एक्सरसाइज इंडिया ने अभी हाल ही में किसके साथ आयोजित किया है, तो अमेरिका के साथ। यह एक रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, एक्चुअली एक पासिस के लिए एक्सरसाइज किया जाता है। इससे पहले इंडिया ने फ्रांस के साथ में किया, जापान के साथ में किया। तो इस तरह से आप अगर पूछा जाए हाल ही में या फिर डेट देकर पूछा जाए कि जुलाई 2020 में, तो आपको आंसर लेना है अमेरिका। एक्चुअली ये पूरा जो मामला है ना दक्षिण चीन सागर विवाद से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। मनाया जाता है 26 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि ऑपरेशन विजय की सफलता इसी दिन हुई थी और इसी को याद करते हुए हम प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। एक्चुअल हुआ क्या, फरवरी 1999 में लाहौर में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर शांति समझौता होता है, लेकिन पाकिस्तान को तो आप जानते हो शांति समझौता उधर हुआ और उधर भारत और सियाचिन को काटने के लिए बीच में ही पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ठंड का मौसम रहता है और उस समय पाकिस्तान की सेना भी पीछे चली जाती है, भारत की सेना भी अपने क्षेत्र में आ जाती है, क्योंकि ठंड के मौसम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। पाकिस्तान इसका गलत फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, भारत के सीमा में, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ वहाँ पहुँच जाते हैं।
पाकिस्तानी घुसपैठ वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि भारत और सियाचिन को काट दिया जाए और भारत की जो सेना है वो सियाचिन तक ना पहुंच पाए। तो अब इसे वापस से भेजने के लिए भारत 1999 में ही शुरू करता है ऑपरेशन विजय, जिसमें हमारे लगभग 526 जवान शहीद हुए थे। और इस ऑपरेशन विजय के तहत हम उन घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाब हुए थे। कब पूरा ये कंप्लीट हुआ था? 26 जुलाई को। और इसी सफलता के याद में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो याद रखिएगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और उन शहीदों को भी याद रखिएगा और उन्हें भी नमन कीजिएगा जो हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का साप्ताहिक करंट अफेयर। साप्ताहिक करंट अफेयर जब मैं कहता हूँ तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि डेली ना करते हैं, साप्ताहिक करते हैं, कुछ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसका एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, हम उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम एनालिसिस करते हैं दी करंट अफेयर शो में, तो उस शो से भी जुड़िएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो हमने कुछ शोज किए भी हैं दी करंट अफेयर शो में, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमारे कोर्सेज का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। घर बैठकर ऐसे ही समय को जाया ना करें, अपने पसंदीदा कोर्स का चयन करें, जो भी आपका टारगेट है उसे अचीव करने के लिए वो कोर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा या हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com डायरेक्ट विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियोस पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।